साथियों, सबसे पहले उन सभी महापुरुषों का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। 125वें जन्म वर्ष के मौके पर देश भर से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं अभिवादन करता हूं और 125वें जन्म वर्ष के मौके पर बामसे भारत मुक्ति मोर्चा ने A1 टीवी चैनल शुरू किया। A1 टीवी चैनल शुरू हुआ कल हमारा, वो आपको यूट्यूब व्हाट्सएप डेली आपको नई नई जानकारी मिलेगी और उस A1 टीवी चैनल के लिए मैं भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेप के सभी कार्यकर्ता को शुक्रिया अदा करता हूं कि इस देश में हमारा भी मीडिया शुरू होने जा रहा है। साथियों, केवल मात्र भारत मुक्ति मोर्चा ही 125वां जन्मवर्ष नहीं मना रहा है, आपके दुश्मन भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के 125वां जन्मवर्ष मना रहे हैं। जिन आरएसएस के लोगों ने 11 दिसंबर 1949 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के रामलीला मैदान दिल्ली में पुतले जलाए थे, आज उनकी मजबूरी हो गई, वो भी बाबा साहेब का जन्मवर्ष मना रहे हैं। जिन कांग्रेस ने कहा था संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद है, वो भी जन्मवर्ष मना रहे हैं। यकायक उनका पद परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? बढ़ते हुए कारवा को रोकने के लिए दुश्मनों की मजबूरी हो गई, वो हमारे महापुरुषों का जन्मवर्ष मना रहे हैं। मैं उन आरएसएस बीजेपी के लोगों को कहता हूं, अगर तुमको इस समाज में वोट चाहिए तो हेडगेवार का मनाओ ना, गोलवंकर का मनाओ ना, उनको पता है उनके बाप का समाज में कोई वैल्यू नहीं है, हमारे बाप की जन्म जयंती मनाना शुरू कर दिया, इतना जल्दी बाप बदल दिया, अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, इतना जल्दी बदल दिया। साथियों, मैं बताना कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं निरंतर बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम लोग करेंगे पूरा, उनको पूछा जाए मिशन कौन सा अधूरा है। 1 जुलाई 1920 में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, गुलामी में जिनकी बातें सहन नहीं करते हो आजादी में लाते खानी पड़ेगी, अरे गोलियां खानी पड़ती है संगरूर नंदीग्राम में। 1942 में कहा, हमारी लड़ाई सत्ता संपत्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई आजादी की है, स्वतंत्रता की है, फिर आजादी का मुद्दा आया। उन्होंने 29 अक्टूबर 1951 को फिर कहा कि वर्तमान स्वराज उनका स्वराज है, हम तो आज भी उनके गुलाम हैं, फिर आजादी की बात आई, मूल निवासियों को आजाद करना यही बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन है, इस देश के मूल निवासियों को आजाद करना यही मिशन है, इसके अलावा कोई मिशन नहीं हो सकता। लेकिन मूल निवासियों को आजाद करने के लिए सबसे पहले उन्होंने तरीका बनाया, 26 साल समय लगाकर राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया और फिर ओबीसी के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। 10 अक्टूबर 1951 को इस्तीफा देते हैं और इस देश में 11 दिन के बाद ब्राह्मणवादी लोग जनसंघ की स्थापना करते हैं। 21 अक्टूबर 1951, कहीं ओबीसी के लोग बाबा साहेब के समर्थन में खड़े न हो जाए, कहीं बाबा साहेब अंबेडकर विरोध पक्ष में मजबूत ना हो जाए, डुप्लीकेट विरोध पक्ष तैयार किया ब्राह्मणवादी लोगों ने। 21 अक्टूबर 1951 में जनसंघ बनाया, क्यों? मजबूरी हो गई उनकी कि रियल में अगर मूल निवासियों का विरोध पक्ष तैयार हो जाएगा तो उनका वर्चस्व बरकरार नहीं हो सकता। जिस बात का अंदाज, जिस बात की आशंका
पेरियार रामास्वामी को थी कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं ब्राह्मणों के सिया जाएगी। आ गई ना, डेमोक्रेसी नहीं ब्राह्मणों के सिया जाएगी। 10 अक्टूबर के बाद, 10 अक्टूबर 1951 में बाबा साहब अंबेडकर इस्तीफा देकर 19 दिन के बाद पटियाला में जाकर कहा कि वर्तमान स्वराज उनका स्वराज है, हम गुलाम हैं। और 6 नवंबर 1951 को पटना में बुलाया गया उनको, और वहां बाबा साहब अंबेडकर ने स्पीच किया, पत्थरबाजी नेहरू ने करवाई, बाबू जगजीवन के माध्यम से, भोला पासवान शास्त्री के माध्यम से। ऐसा क्या बात कही थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो पत्थरबाजी की? तो स्पीच है कि नेहरू इस देश पर ब्राह्मणों का एक, नेहरू इस लोकतंत्र पर ब्राह्मणों का एकाधिकार करना चाहता है, मैं करने देने वाला नहीं हूं। अगर ओबीसी के लोग मेरे को साथ सहयोग करते हैं तो इस देश में आर पार की लड़ाई लड़ने को मैं तैयार हूं। उनको लगा ओबीसी को बाबा साहब अंबेडकर जगा रहे हैं, आशंका थी नेहरू लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहता है। और 20 मई 1956 को बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं लोकतंत्र और ब्राह्मणवाद एक साथ नहीं चल सकता, सिद्ध हो गया। जो आशंका थी वो सिद्ध हो गया, एक साथ नहीं चल सकता। साथियों, इस लोकतंत्र के 4 पिलर है, विधायिका उनके कब्जे में है। 2009 के चुनाव में जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, जयललिता, ममता बनर्जी, 375 एमपी उनके थे। 2014 के चुनाव में 411 एमपी उनके, विधायिका उनके कब्जे में है। और हमारे चुने हुए लोग बाउंडेड लेबर है, पॉलिटिकल बाउंडेड लेबर। न्यायपालिका उनके कब्जे में है, न्यायपालिका का कौन सा काम है? न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम है कानून का इंटरप्रेट करना, मिस इंटरप्रेट कर रही है। क्रिमिनल नहीं था लागू कर दिया, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट था मना कर दिया, और न्यायपालिका आस्था के आधार पर जजमेंट दे रही है। और वही न्यायपालिका, वो न्यायपालिका मिस इंटरप्रिट करती है, दोहरा मापदंड है। अगर हिमायत बेग को एनआईए ने क्लीन चिट दिया, बेंगलोर पुलिस ने क्लीन चिट दिया, दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दिया, वो अंदर है। और असीमानंद चैटर्जी 21 जगह बम ब्लास्ट किया, बाहर घूम रहा है। न्यायपालिका मिस इंटरप्रिट कर रही है कानून का। न्यायपालिका को चाहिए संविधान की रक्षा करना चाहिए, संविधान के विरोध में निर्णय दे रही है न्यायपालिका। न्यायपालिका को चाहिए मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षण करना चाहिए, एक भी कानून नहीं बनाया मौलिक अधिकारों के लिए। और आस्था के आधार पर जजमेंट दे देते हैं, न्यायपालिका उनके नियंत्रण में, कार्यपालिका उनके नियंत्रण में। 3% ब्राह्मणों ने 80% कब्जा किया हुआ है, क्लास वन अधिकारी, कार्यपालिका उनके कब्जे में, और मीडिया 100% उनके कब्जे में। मैं मीडिया के संदर्भ में आपको बात कहता हूं, नॉन इश्यू को इश्यू बना देते हैं। मीडिया के संदर्भ में कहा बात कहता हूं, एक छोटा बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि ये नरेंद्र मोदी क्या मीडिया में काम करता है क्या? तो बच्चे ने, उसके बाप ने कहा क्यों पूछ रहे हो? बोला 24 घंटे मीडिया में है। तो बाप ने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी मीडिया में काम नहीं करता, मीडिया इसके लिए काम कर रही है। ये मीडिया में काम नहीं कर रहा है, मीडिया इसके लिए जरूर काम कर रही है। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, अभी हाल में एक मैसेज घूम रहा था, नरेंद्र मोदी ने पूछा अपने पीए से पूछा आप कहां का दौरा बाकी बचा है, तो पीए ने कहा अभी दिल का दौरा बाकी है। क्यों? उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है,
और बीएमपी भी बिहार की तरह उधर है, दिल का दौरा बाकी है। साथियों, मीडिया नॉन इश्यू को इश्यू बना देती है। अगर बाबा रामदेव कहता है अगर संविधान ना होता तो तलवार से सिर काट देता भारत वंदे मातरम न कहने वालों का, भारत माता की जय न कहने वालों का तलवार से सिर में काट देता। अरे हम नहीं पूछेंगे बाबा रामदेव को वो तलवार किसकी होगी, हम ये जरूर पूछेंगे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में औरतों का कपड़ा पहनकर भागा था वो सलवार किसकी थी, ये बता दे। तलवार को छोड़ा ना, वो सलवार किसकी थी ये तो बताओ। साथियों, मीडिया उनके कब्जे में, जो यूपीए की पॉलिसी है वही एनडीए की पॉलिसी है। कांग्रेस ने इस देश में प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, विदेशी कंपनियों को बुलाया, आज नरेंद्र मोदी घूम घूम कर विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं और मीडिया कहता है ओबामा इसकी इज्जत कर रहा है, ओबामा इसकी इज्जत कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कितनी इज्जत करता है ओबामा ने। ओबामा भारत में आया अपनी सुरक्षा के लिए, अमेरिका से कुत्ते साथ में लाए, अमेरिका के कुत्तों पर भरोसा किया, नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं किया। यह है तुम्हारी इज्जत, ओबामा भी इज्जत करता है। साथियों, कांग्रेस ने एफबीआई शुरू किया, मोदी अमल कर रहा है। कांग्रेस ने एससीजेड शुरू किया, मोदी अमल कर रहा है। कांग्रेस ने रिजर्वेशन खत्म किया, मोदी वही काम कर रहा है, एनडीए भी वही काम कर रही है। कांग्रेस ने क्रिमिनल बरकरार रखा, नरेंद्र मोदी भी वही कर रहा है। कांग्रेस ने जाति जनगणना करने नहीं दी, बीजेपी भी नहीं करने दे रही है। कांग्रेस ने एजुकेशन खत्म किया, बीजेपी भी वही काम कर रही है। कहा है लोकतंत्र? अरे विरोध पक्ष में भी, विरोध पक्ष में है वो भी उनकी नीति में, शासक भी नीति, शासक की नीति भी वही और विरोध पक्ष की भी नीति वही है। देश में लोकतंत्र कहां है विरोध पक्ष? और छोटी छोटी पार्टियां डर के मारे उनके साथ शामिल है। मुलायम सिंह शामिल, क्या मुलायम सिंह को मालूम है? मैं हजरत मौलाना अली नमानी साहब को बताना चाहता हूं कि राम मनोहर लोहिया ने 1967 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सार्वजनिक विरोध किया था। क्या मुसलमानों को मालूम है? क्या एविडेंस चाहिए? मैं दे दूंगा। मौलाना साहब खुलेआम विरोध किया था राम मनोहर लोहिया ने। मायावती डर के मारे उनके नियंत्रण में। अभी बात हो रही थी सर्वजन की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अरे एक ही हुआ ना, सर्वजन सब, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबका विकास। अरे बीजेपी का भी वही नारा और बीएसपी का भी वही नारा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है दो पार्टी का मिलजुल कर एक नारा दे रही है क्या? सर्वजन की बात कर रहे हैं। साथियों, पवार उनके खेमे में, शिबू सोरेन उनके खेमे में, पासवान उनके काउंटिंग में हिंदू राष्ट्र में, और आठवले उनके काउंटिंग में, उदित राज शामिल, तीन राम, रामदास आठवले, रामविलास पासवान और बीच में जीतन राम और रामराज। बाबा साहब का नाम लेते हैं और रामराज बनाने में हिंदुत्व के एजेंडा में शामिल है। इस देश में आपकी आजादी के लिए कोई भी पार्टी साथ सहयोग करने वाली नहीं है। अगर आपको आजादी चाहिए, अगर आप आजाद होना चाहते हो, तो आपके महापुरुषों के उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर पार्टी जो काम कर रही है उनका समर्थन करना चाहिए। देश में कोई भी पार्टी आज की तारीख में हमारे महापुरुषों के उद्देश्य और विचारधारा पर काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा भारत माता की जय नहीं कहेगा तो यहां नहीं रह सकता। मैं कहना चाहता हूं अगर इस देश में जय मूलवासी नहीं बोलेगा फिर वो भी नहीं रह सकता। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाना चाहते हैं, संविधान के तरीके से चलाना चाहते हैं,
और कुचलने की अगर दबाने की कोशिश की तो फिर तो खुला चैलेंज है। इस देश में यूरेशियन रह नहीं पाएगा, विदेश जा नहीं पाएगा। क्यों? अरे पासपोर्ट वीजा तो हम ही से लेना है ना, आने वाले समय में जाओगे कहां? पासपोर्ट वीजा तो हमारे हम लोगों से लेना है ना। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी का निश्चित उद्देश्य आने वाले समय में देश में आधार कार्ड नहीं, बीपीएल कार्ड नहीं, डीएनए कार्ड लागू करेंगे। बाबा साहब ने प्रावधान किया है, सिविल वॉर की जरूरत नहीं है। विदेशियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, वोट देना चाहते हो, लाओ डीएनए कार्ड। अरे वोट का अधिकार ही नहीं होगा, कहां से चुनाव लड़ोगे और कहां से हमको गुलाम बनाते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। साथियों, ये जो लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर ने शुरू की, उन्होंने कहा कि इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी आपकी आजादी के लिए साथ सहयोग करने वाली नहीं है। जो बात उन्होंने 21 जुलाई 1946 में कही थी आज भी सच है। इसके लिए आपकी आजादी की लड़ाई लड़ने वाली जो पार्टी मुद्दे उठाती है आजादी का, उसका आप साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूलवासी। दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।